재미ensive veux gut वेलकम 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 गाइस आज हम लोग पूरा पूरा का एक चैप्टर रिवीजन करके खत्म कर देंगे और उस पूरा एक चैप्टर का नाम है डिपॉजिट्स ठीक है डिपॉजिट्स नाम है बट आज लिंक शेयर नहीं हुआ है तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को भी एक मिनट दीजिए मैं भी जो लिंक है वो शेयर कर देता हूं सर आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा का पूरा डिपॉजिट चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे चाहे जो हो जाए ठीक है बहुत बढ़िया स्पीड में रिवीजन चल रहा है हमारा तो गाइस फटाफट गाइस एप्स ल्यूटली फास्ट <coughs> फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए भाई हर जगह अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए बता दीजिए कि मोहित सर लाइव आ चुके हैं और कंपनी लॉ का नया चैप्टर आज हम लोग मिशन में स्टार्ट करने वाले हैं डिपॉजिट्स ये बॉटरी की चैप्टर है बहुत सारे बच्चों के ऊपर से जाता है अभी आप मेरे को एक घंटा दीजिएगा मैं पूरा डिपॉजिट आपके अंदर समा दूंगा Come on guys, come on, फास्ट fast, absolutely फास्ट फटाफट लिंक बिल्कुल काम कर रहा है टेलीग्राम ग्रुप्स जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है मेरे मॉडरेटर साहब ने टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक जो है पिन कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो पिन किया हुआ है ठीक है ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और नोट्स वहां पर इस क्लास ओवर होते ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है ना नोट्स आ जाएगा राइट right. कमॉन एक सेकेंड मैं भी लिंक भेज देता हूं तब तक तुम भी लिंक भेज दो बेशर्मो लिंक तो भेज दो भाई हम्म 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 Hmm. <laughs> <coughs> 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 या yep. <coughs> चलो स्टार्ट करते हैं धुआधार स्पीड में रिवीजन करने वाले हैं पूरा डिपॉजिट्स का रिवीजन होने वाला है ध्यान रखना ये रेगुलर बैच नहीं है ये मेरा फास्ट ट्रैक बैच भी नहीं है ये फास्ट ट्रैक कभी फास्ट ट्रैक कभी फास्ट ट्रैक है यानी पावर पैक रिवीजन है ठीक है सो गाइस लेट अस हिट इट गाइस चलो स्टार्ट करते हैं या yeah. नोटिफिकेशन भी आ चुका है चलिए जनाब चलिए लेट अस हिट इट दोस्तों चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज ठीक है फटाफट एकदम ध्यान लगाओ रिवीजन चल रहा है अरे यार अभी तक अटेंडेंस नहीं लगा ये सब चीज तुम्हारा खराब है भाई लेक्चर अगर अच्छे से समझना है पॉजिटिव मैनर में समझना है तो अटेंडेंस लगा दो और अटेंडेंस लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वीडियो को लाइक बटन दबाना है वीडियो को अभी के अभी लाइक बटन दबा दीजिए और अटेंडेंस जो है वो लगा दीजिए दोस्तों ओके ओके बाय कंपनीज ये आपका चैप्टर नंबर फाइव है आज ही पूरा कर देंगे स्टार्ट देख लेते हैं अच्छे मन सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री से लेकर के सेक्शन सिक्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज अब देखो सेक्शन सेवेंटी थ्री सबसे पहले सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री का बात करते हैं दोस्तों सेवेंटी थ्री का सबसेक्शन वन पता है साफ साफ बोल दिया सेवेंटी थ्री का सबसेक्शन वन क्या बोलता है नो कंपनी नो कंपनी डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नो कंपनी पब्लिक नो कंपनी शेल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन सेवेंटी सिक्स ये बात गांठ बांध लो नो no कंपनी

बाद बाकी कंपनी लोग को मना कर दिया गया आप डिपॉजिट नहीं ले सकते पब्लिक अब डिपॉजिट क्या होता है आप कुछ भी रुपया लेंगे वो डिपॉजिट है हम लोग डिपॉजिट का डेफिनेशन सीखेंगे सेक्शन में में आज ही के क्लास में आएगा कुछ भी रुपया डिपॉजिट है लोन लोगे वो भी डिपॉजिट है इसका मतलब मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एमईपीएल एमईपीएल मिस्टर राम से मिस्टर श्याम से एबीसी से लोन नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकता उन लोग पब्लिक है आउटसाइडर है और हम डिपॉजिट नहीं ले सकते नो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइड लॉ मेकर ऐसा लॉ क्यों बनाए क्योंकि लॉमेकर लोगों को डर लगता है कि कंपनी जो है अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया और डुबा दिया तो पब्लिक तो डूब जाएगा ना रे बाबा और फिर पब्लिक तो सरकार को गाली देगा है ना तो पब्लिक का पैसा बचाए रखने के लिए सारे कंपनी लोग को बोल दिया गया आप लोग पब्लिक से डिपॉजिट मत लीजिए पब्लिक का पैसा बचा रहे इसलिए सारे कंपनी लोग को यही बोला गया आप लोग पब्लिक से डिपॉजिट मत लीजिए एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी बड़ा बड़ा जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है भाई वो कहां पैसा मारेगा गांव का ठीक है छोटा मोटा कंपनी पैसा मार सकता है गांव का इसलिए उन लोगों को बना कर दिया गया आप लोग बाहर वालों से डिपॉजिट नहीं लेंगे लेकिन एलिजिबल पब्लिक कंपनी बड़ा पब्लिक कंपनी होता है उसको अलाउड है डिपॉजिट वो भी एक लिमिट तक अलाउड है कितना लिमिट है वो भी हम पढ़ाएंगे वो भी हम पढ़ाएंगे सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है ये बता दीजिए जिसका नेटवर्क कम से कम सौ करोड़ हो या फिर टर्न कम से कम पांच सौ करोड़ एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्क मिनिमम 100 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ हैविंग नेटवर्क मिनिमम 100 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़ बताओ से फॉर एग्जांपल एमईपीएल एमईपीएल का नेटवर्क अगर 100 करोड़ है एमईपीएल का नेटवर्क बहुत ज्यादा कॉम प्राइवेट लिमिटेड का नेटवर्क अगर 100 करोड़ है क्या वो सेक्शन 76 में एलिजिबल पब्लिक कंपनी माना जाएगा यस या नो पोल क्रिएट हो चुका है जवाब दो जिन लोग पोल में जवाब दे सकते हैं फटाफट जवाब दो क्या वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी माना जाएगा Hey भगवान फटाफट जवाब दो अगर मेरा नेटवर्थ सौ करोड़ है तो क्या एलिजिबल पब्लिक कंपनी माना जाएगा नहीं माना जाएगा भाई मैं प्राइवेट कंपनी हूं केवल पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्क सौ करोड़ है या फिर टन ओवर पांच सौ करोड़ है वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी माना जाएगा क्लियर है सर मक्खन की तरह क्लियर है मक्खन की, की तरह क्लियर है सर <coughs> <coughs> मक्खन की तरह क्लियर है <coughs>

सेवेंटी थ्री का सबसेक्शन वन सवन में आ गया कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता आउटसाइडर से डिपॉजिट नहीं ले सकता एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी फिर सेवेंटी थ्री का एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कम ऑन एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कुछ कंडीशन है वो अभी हम बताएंगे सेवेंटी थ्री सबसे टू में क्या कंडीशन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करके एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर

फोकस करिए मेरे प्यारे बच्चों आखिर वो अलग अलग परसेंटेज क्या है देखो बेटा मैं छह प्रकार का अभी आपको कंपनी बताने वाला हूं कितना प्रकार का कंपनी बताने वाला हूँ छह प्रकार का कंपनी बताने वाला हूँ एक तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ठीक है एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक है आपका पब्लिक कंपनी अरे जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है खाली पब्लिक कंपनी नॉर्मल पब्लिक कंपनी ठीक है

ठीक है मैं आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया से सिखा रहा हूं प्लीज फोकस करो प्लीज फोकस करो मैं अभी छह प्रकार का कंपनी लिख रहा हूं क्यों छह प्रकार का कंपनी लिख रहा हूं क्योंकि ये छह कंपनी के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं कि कितना आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं और कितना आप आउटसाइडर से डिपॉजिट ले सकते हैं एक हो गया आपका एलिजिबल पब्लिक कंपनी ठीक है एक तो क्या हो गया बताओ एलिजिबल पब्लिक कंपनी एक हो गया नॉर्मल पब्लिक कंपनी ठीक है तीसरा मैंने क्या बताया था प्राइवेट कंपनी चौथा मैंने क्या बताया था

मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर पॉइंट नंबर मेरा रहेगा डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स मेंबर से कितना ले सकता है ठीक है और पॉइंट नंबर बी क्या रहेगा डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर ठीक है, और भी क्या रहेगा? ठीक, है? Yes, ठीक है हम हर जगह बता दे रहे हैं कि डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर है पॉइंट नंबर है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर और पॉइंट नंबर बी है मेरा डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर यानी पब्लिक तो इन लोग सब लोग

एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिटिम आउटसाइडर यानी प्लिक बाद की कंपनी लोग आउटसाइडर से यानी प्लिक से डिपॉजसेप्पन् तो पॉइंट नंबर बी डिपॉजिट फ्राउटाइडर तो पॉइंट भी तो सभी का जीरो पॉइंट भी तो सबका क्या रहेगा बताओ जीरो पॉइंट नंबर बी तो सबका जीरो रहेगा बिकॉज डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक सबका जीरो वाला है, तो भी तो सबका जीरो रहेगा सिवाय एलिजिबल पब्लिक कंपनी के ठीक है यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक मक्खन कितना क्लियर है याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है मैंने तुमको बता दिया है मैंने तुम्हें क्या बताया ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी यूट्यूब में लाइव चल रहा है दोस्तों ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कैन एक्सेप्ट एक्सेप्ट ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट फ्रॉम किससे आउटसाइडर मतलब बात बाकी सबका तो आउटसाइडर वाला लिमिट पॉइंट नंबर बी वाला लिमिट जीरो हो जाएगा है ना है ना बेटा राहुल सूरी बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन सॉरी भी बोल रहा है चलो मेरा प्यारा बच्चा क्या बोल रहा है सर सॉरी फॉर इंटरप्शन बट थैंक्स अलॉट बिकॉज ऑफ योर दिस दिसन आई गुड मार्क्स इन लॉ अच्छा लास्ट वाला बच्चा आया है भाई इवन आई स्टडी चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर ऑलवेज ऑलवेज माई फेवरेट मेंटर ऑलवेज मेंटर थैंक यूक यू तो भाई अच्छे से पढ़ लो इतना बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं तुमको और कहीं नहीं मिलेगा तो डिपॉजिट फ्रॉम

या फिर हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी जी हाँ दोस्तों एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है ना या तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगा या फिर गवर्नमेंट कंपनी होगा मतलब कैपिटल सीजीएसजी या मिला जुला करके ठीक है अब सुनो इनका पॉइंट नंबर भी में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना इन लोग तो आउटसाइडर से पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है जी हाँ ले सकता है कितना सुन लो और पॉइंट नंबर क्या फ्रॉम मेंबर अब ये लिमिट है दस पच्चीस यानी नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर नॉन गवर्नमेंट है वो अपना मेंबर लोग से दस परसेंट ले सकता है डिपॉजिट आउटसाइडर से पच्चीस परसेंट गवर्नमेंट कंपनी को बोला गया चलो आपके लिए एक छूट है आप ए प्लस भी मिला करके पैतीस ले लो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ए दस लो ठीक है ए दस परसेंट हो और बी पच्चीस परसेंट चलो आपको इतना छूट देते हैं ए प्लस बी पैंतीस परसेंट मतलब हो सकता है ए थर्टी फाइव परसेंट हो जाए बी जीरो ए जीरो फाइव परसेंट हो जाए हो सकता है ए ए हो हो जाए 35 हो जाए बी बी बट प्लस थर्टी परसेंट लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी को तो बोला नॉन गवर्नमेंट कंपनी अगर एलिजिबल पब्लिक कमी का बात चल है एलिजिबल पब्लिक कंपनी या तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगा या गवर्नमेंट कंपनी होगा अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर रहेगा दस परसेंट आउटसाइडर रहेगा पच्चीस परसेंट और ए प्लस बी मिलाकर के गवर्नमेंट कंपनी का पैंतीस परसेंट

उन लोग तो अपना मेंबर से अनलिमिटेड डिपॉजिट ले सकते हैं अनलिमिटेड मेंबर जितना दे उतना लपक सकते हो ले सकते हो अनलिमिटेड ठीक है देखो पॉइंट भी क्या था डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक वो तो सभी का जीरो है खाली एलिजिबल पब्लिक कंपनी का याद रखना है याद हो चुका होगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी इमेजिन करो एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी दो प्रकार का होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी दो प्रकार का होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसका पॉइंट नंबर है डिपॉजिट फ्रॉम एलिजिबल पब्लिक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका पॉइंट नंबर है डिपॉजिट पॉइंट नंबर है मेंबर और पॉइंट नंबर बी डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइड पब्लिक कभी ए और भी जाओ तो याद रखने का तरीका है ए क्या है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर और बी क्या डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर तो एम पहले आता है की एम एम पहले आता है फॉर मेंबर एम फॉर मेंबर फिर ओ ओ आता है फॉर आउटसाइडर ठीक है पी फॉर पब्लिक भी बात नहीं आता है तो याद हमेशा रहेगा पहले एम आता है फिर और कभी अगर दस और पच्चीस भूल जाओ तो ये भी याद रख लेना टेन आता है फिर ट्वेंटी पहले एम आता है, है, है? तो, है मेंबर और बी है कि पच्चीस आता है दस और फिर क्या पच्चीस कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तब तो दस पच्चीस गवर्नमेंट कंपनी है तो ए प्लस भी मिलाकर के पैतीस पब्लिक कंपनी है अच्छा अब बाद जितना भी कंपनी है सबका बी तो जीरो रहेगा डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर जीरो अलाउड नहीं है फिर पॉइंट नंबर क्या रहेगा डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर क्या रहेगा

कि भैया ये जो प्राइवेट कंपनी है ना ये किसी का होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट नहीं हो ठीक है इट शुड नॉट बी होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट ऑफ एनी कंपनी किसी का होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट नहीं है अच्छा ये अगर लोन ले रखा है ना लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी अगर लोन ले रखा है ना लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट कम ले रखा है कितना कम ले रखा है मैं दो लिमिट बता रहा हूं उससे भी कम ले रखा है ट्विस्ट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल और पचास करोड़ च्वाइस ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल और पचास करोड़ विच एवर इज लोअर ठीक है दो लिमिट मैंने बताया टू पेड ऑफ शेयर कैपिटल पचास करोड़ लोअर उससे भी कम का लोन लिया हुआ इसका। example, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं बीस लाख पेड ऑफ शेयर कैपिटल बीस लाख का दो गुना कितना चालीस लाख चालीस लाख और पचास करोड़ विच एवर इज लोअर बताओ विच एज लोअर कितना चालीस विच एज लोअर कितना हो जाएगा चालीस फोर्टी लाख

कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल दी दबर आर कैलकुलेटेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्लस फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम ठीक है अब सेवेंटी थ्री पूरा रूल्स अपने पढ़ लिए लिमिट्स पढ़ लिए सेक्शन सेवन थ्री का सेक्शन वन भी पढ़ चुके हैं नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन और एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऐसा पब्लिक कंपनी विच हैज नेटवर्थ मिनिमम सौ करोड़ या फिर

प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज बोरिंग हाउएवर अगर इसका बोरिंग ऑलरेडी बहुत कम है यार कितना कम है प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग याद रखने का तरीका जितना बोरिंग कर चुके हैं मतलब है, प्रेजेंट बोरिंग मतलब जो बोरो कर चुके हैं प्रपोज बोरिंग मतलब जो बोरो करने वाले हैं जितना कर चुके हैं और जो करने वाले हैं प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग मतलब जितना बोरो कर चुके हैं प्रेजेंट बोरिंग मतलब जितना बोरो कर चुके हैं अरे प्रेजेंट बोरिंग मतलब जितना बोरिंग कर चुका है प्रपोज बोरिंग मतलब जो बोरिंग करने का सोच रहा है इफ इट इज विद इन द लिमिट ऑफ

तो एक रेटिंग एजेंसी आकर तुम्हारा फाइनेंशियल चेक करेगा बुक्स चेक करेगा से तेरे को देगा ट्रिपल ए मतलब मॉडरेट सेफ्टी डबल इन एडुक्ट सेफ्टी ठीक है इस तरीके से रहता है फिर बी मतलब हाई सी मतलब डिफॉल्ट मतलब तो इस तरह का ये सब रेटिंग तुमको याद नहीं करना बता रहे हैं कि ऐसा कुछ रेटिंग तुमको रेटिंग एजेंसी देगा

सेक्शन टू क्या बोलता है सेवेंटी थ्री का सबसेक्शन टू बोलता है एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर बाय कंप्लाइंग क्लॉज ए टू क्लॉज एफ मेरे को बताओ क्लॉज ए टू क्लॉज एफ कितना ये जिन लोग क्लास कर रखा हो उन लोग बता सकेगा कितना कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा छह कि पांच ऑप्शन नंबर ए छह ऑप्शन नंबर बी पांच जिन लोग पोल नहीं कर सक रहे हैं कम से कम लेक्चर सुन लो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी मन में आंसर करो जिन लोग पोल कर सक रहे हैं पोल करो जिन लोग नहीं पोल कर सक रहे हैं कोई बात नहीं क्लॉज ए टू क्लॉज एफ सेटिस्फाई करना पड़ेगा सारा कंपनी अपने मेंबर लोग से तो डिपॉजिट ले सकता है खाली कुछ कंडीशन सेटिसफाई करना है क्लॉज ए टू क्लॉज एफ का छह कंडीशन की पांच कंडीशन छह की पांच बच्चे बोले गांजा फूक लिए है क्या सर ए टू एफ तो छह ही हुआ ना तुम बताओ तुम बताओ ऑप्शन नंबर छह ऑप्शन नंबर भी पांच अरे वीडियो को लाइक बटन दबाना भूल गए हैं ये क्या ये क्या बच्चे वीडियो को लाइक बटन अभी तक नहीं दबाए गलत बात है वीडियो को अभी के अभी लाइक बटन दबा दो बेटा

कोई भी कंपनी अपना मेंबर से तो डिपोजिट ले सकता है हाँ एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी ले सकता है नॉर्मल पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी एफ पब्लिक कंपनी कोई भी कंपनी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी ऑल थ्री जो मैंने पढ़ा सब लोग अपना मेंबर से डिपॉजिट ले सकता है क्या क्या कंडीशन करना पड़ेगा देख लो और कुछ कुछ एक्ज भी है पहले कंडीशन देख लो क्लॉज ए टू क्लॉज एफ का क्लॉज ए बोलता है सेवनटी थ्री का क्लॉज ए कि कंपनी जो है ना एक डिपॉजिट सर्कुलर आता है फॉर्म नंबर डीपी वन डिपॉजिट सर्कुलर का फॉर्म नंबर है डीपीटी वन

पहले आप आरोसी को चढ़ाइएगा फिर वहां से थर्टी डेज के अंदर आप को सर्कुलेट कर दीजिएगा पहले किसको चढ़ाएंगे आप डीपीटी वन किसको जमा करेंगे आरओसी को जमा करेंगे एंड देन विद इन डेज सर्कुलेटेड टू मेंबर्स क्लॉसी क्या बोलता है भैया देख लो जितना एक ही बार बोलेंगे क्लॉसी ध्यान से जितना टोटल डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल डिपॉजिट कितना मैच्योर होने वाला है अरे डिपॉजिट लियो तो चुकाओगे भी ना मैच्योरिटी पीरियड भी आएगा ना तो टोटल डिपॉजिट जो मेच्योर होने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो मेच्योर होने वाला है उसका कम से कम बीस परसेंट एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट आपको इस साल का तीस अप्रैल तक बंदोबस्त करना पड़ेगा डिपॉजिट मेच्योरिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल द टोटलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर शुड बी अ सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ठीक है शेड्यूल बैंक अकाउंट में जाकर के 20 परसेंट जमा करो शेड्यूल बैंक अकाउंट में अलग से 20 परसेंट जमा कर दो तो, उस अकाउंट का नाम रहेगा रिजर्व अकाउंट क्या होगा जब फ्यूचर में डिपॉजिट मेच्योर होगा ना नेक्स्ट ईयर तो थोड़ा बहुत बीस परसेंट ऑलरेडी किया हुआ तो उतना फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर अब जैसे मान लो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए बेटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चलो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेटा

अप्रैल 2023 तक नहीं तीस अप्रैल 2022 तक इस साल का तीस अप्रैल तक बीस परसेंट जमा करना है ऑफ द टोटल आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ठीक है इसका नाम रहेगा रिजर्व क्लॉज डी हो चुका है, पहले बता ही बता दिए क्लॉज बड़ा सिंपल से बात बोलता है कि भैया कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो अरे यार कंपनी अगर में में लोग से डिपॉजिट कर रहा है एक्सेप्ट करो कोई दिक्कत कर नहीं है लोग से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लो बट कम से कम तुमने डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा हो गांव का पैसा तो नहीं मारा है ना तो ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिपॉजिट्स में शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट इन द और अगर डिफॉल्ट किया था उसको सुधारे हुए पांच साल हो गया मतलब डिफॉल्ट किए हुए पांच साल नहीं डिफॉल्ट किए थे एक बार लेकिन फिर चुका दिए और पांच साल हो भी गया डिफॉल्ट किए थे लेकिन फिर चुका दिए और पांच साल हो भी गया अब पांच साल हो भी गया यार तब तो आराम से आराम से आराम से, आराम से अगर पांच साल हो गया है तुम डिपॉजिट ले सकते हो अच्छा डिपॉजिट फुली सिक्योर्ड होना चाहिए डिपॉजिट शुड भी फुल सिक्योर अगर हम पब्लिक से या मेंबर से चलो अभी तो मेंबर का बात हो रहा है मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं उसको कुछ सिक्योरिटी देंगे मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं तो उसको कुछ सिक्योरिटी देंगे डिपॉजिट फुली सिक्योर होना चाहिए अगर नहीं है कोई बात नहीं हर जगह लिख दो कि तुम्हारा डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है छुपाओ मत डीपीटी वन ठीक है हर जगह लिख दो डीपीटी डिपीटी जो डिपॉजिट सर्कुलर था मेंबर को बता दो कि हम लोग का डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है डिपॉजिट शुड बी फुली सिक्योर एंड इफ नॉट द कंपनी शुड मेंशन इट एवरीवेयर दैट डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड

E, क्शन e, 2 क्लॉज ए टू क्लॉज ई बिना पड़ेगा जो कंडीशन था ना वही करना पड़ेगा एक्समशन है प्राइवेट कंपनी को अरे सारे के सारे प्राइवेट कंपनी को एक्समशन है ले सकता है खाली आखिरी करके ए से ई नहीं करना क्लॉज एफ सेटिस्फाई करना है बल्ले बल्ले

Please read. हां जी सेक्शन 76 से क्या बोलता है कि अगर 73 या 76 पढ़े ना दो सेक्शन सेक्शन 73 और 76 अगर आप सेक्शन 73 या सेक्शन 76 या रूल्स का वायोलेशन करते हैं अगर आप 73 या 76 या उसके रूल्स का वैलेशन करते हैं तो कंपनी के ऊपर फाइन कितना लगेगा पता है चलो पहले मिनिमम फाइन का बात करते हैं कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन कितना लगेगा एक करोड़ रुपया या फिर टू टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो भी तुमने डिपॉजिट का अमाउंट एक्सेप्ट किया उसका ट्वाइस विच एवर इज लोअर मिनिमम फाइन कितना लगेगा कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन लगेगा कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन लगेगा एक करोड़ या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक करोड़ या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एवर इज डिपोजिटर एक करोड़ या ट्वाइस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एवर डिपोजिटर मैक्सिमम फाइन लगेगा दस करोड़ मैक्सिमम फाइन करोड़ ये तो याद करने का मेरा कुछ है नहीं इसमें ऑफिसर एंड डिफॉल्ट कंपनी के ऊपर कितना लग रहा है कंपनी के ऊपर एक करोड़ या ट्वाइस अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डिपोजिट से लेकर के दस करोड़ ओ आई डी ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर फाइन लगेगा पच्चीस लाख मिनिमम मैक्सिमम दो करोड़ पच्चीस लाख से दो करोड़ एंड जेल भी होगा

ठीक है अच्छा दोस्तों सेक्शन सेवेंटी और सेवेंटी जो है ना सेक्शन नंबर सेवेंटी एंड सेवन ट्रांजिशनल प्रोविजन है आज के दिन 74, 75 का कोई काम नहीं है मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं मैं फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाता हूं बट मैं रिवीजन में 74, 75 जो है ना चलो शॉर्ट में बता देता हूं लेकिन आज के दिन 74, 75 का कोई काम नहीं है सेक्शन 74 पता क्या बोलता है कि व्हाट अबाउट दो कंपनीज ये सब जो आया था एक चार दो हजार चौदह से आयाजन एक चार दो हजार चौदह से आया तो जो एक चार दो हजार चौदह को वो कंपनीज का क्या होगा जो ऑलरेडी पुराने डिपोजिट लेकर के बैठे हैं

तो तुमको तीन महीना का समय दिया गया डि जमा करो और को पूरा डिटेल बताओ तीन महीना के अंदर फोर जमा करो और को ठीक है और चुका देना डिपॉजिट चुका देना <coughs> जो भी मैचोरिटी डेट है अरे जो भी मेच्योरिटी डेट है वो या फिर थ्री इय फ्रॉम एक चार चौदह विच चेवर इज अर्लियर जो भी तुम्हारा मैचोरिटी डेट आने वाला है डिपोजिट का जो तुमने डिपॉजिट होल्डर को बोल रखा मैच्योरिटी डेट वो या फिर थ्री इय फ्रॉम एक चार चौदह विच एवर इज अर्लियर ठीक है ना और अगर नहीं चुका सकोगे इस टाइम पर अरे डेट या मेचोरिट एयर्स फ्राम एक चार चौदह तो के पास अप्लाई करो फॉर एक्सटेंशन अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर एक्सटेंशन ठीक है और अगर ब्रीच करोगे ये जो मैंने अभी बताया नाक्शन सेवेंटी फोर में ये सब अगर ब्रीच करोगे तो कंपनी के ऊपर फाइन ठोक देंगे एक करोड़ से दस करोड़ सेवेंटी सिक्स से मिलता जुलता है एक्सैक्टली सेम नहीं है यहाँ टू टाइम्स वाला नहीं है सीधा एक करोड़ से दो दस करोड़ है ओ के ऊपर सीधा पच्चीस लाख से दो करोड़ है एक करोड़ से दो दस करोड़ और के ऊपर सीधा लाख से दो करोड़ और सेवन बोथ यहाँ पर और है में एंड था

अरे चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन भी दबाओ और खाली खुद नहीं अपने पूरे फैमिली को भी करवा दो अरे मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन सभी मजा लेंगे इन्फॉर्मेटिव भी आते रहता है कुछ ना कुछ आता ही रहता है इतना तो कर ही सकते हो फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो बोलो चैनल सब्सक्राइब करिए फैमिली बड़ा करना है हम लोग को अपना इतना तो कर ही सकते हो यार मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन ऑर ऑफ डिपोजिट बता दो मिनिमम एंड मैक्सिम टेन डिपॉजिट हाँ, बिल्कुल जो कंपनी डिपॉजिट ले रहा है ना उसका मिनिमम और मैक्सिमम टेन है चाहे वो पब्लिक से ले चाहे वो मेंबर से ले मिनिमम टेन ऑफ डिपॉजिट छह महीना रहेगा कम से कम छह महीना के लिए आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा छत्तीस महीना मिनिमम टेन योर सिक्स मंथ मैक्सिमम टेन योर थर्टी सिक्स मंथ मिनिमम छह महीना मैक्सिमम छत्तीस महीना मिनिमम टेन ऑर सिक्स मंथस मैक्सिमम टेन थर्टी सिक्स मंथस ठीक है ना मिनिमम टेन ओर कितना रहेगा छह महीना और मैक्सिमम टेन ऑर कितना छत्तीस महीना 36 months. ये हो गया मिनिमम एंड मैक्सिम टन लेकिन मैं आपको एक चीज बता दू छ महीना से कम का भी आप डिपॉजिट ले सकते हैं तीन महीना से कम का नहीं ले सकते छह महीना से कम का ले सकते हैं बट नॉट लेस देन थ्री मंथ लेकिन उसका एक मैक्सिमम अमाउंट है टेन परसेंट ऑफ पेड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस दस परसेंट ऑफ प्लस एफआर प्लस एसपी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस देन सिक्स मंथ्स लेस देन मंथ्स बट नॉट लेस देन थ्री मंथ्स

रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मतलब पूरा डिटेल ऑफ डिपॉजिट 21 22 में पूरा डिटेल ऑफ डिपॉजिट मेरे को जमा करना पड़ता है आरओसी को 30 जून को तो 21 22 खत्म हो गया तो 30 जून 2022 को 22 23 का कब जमा करोगे 30 जून 2023 तक जमा करना है फिर से सुन लो एवरी कंपनी शेल सबमिट रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू आरओसी इन फॉर्म नंबर डीबीटी 3 एवरी ईयर हाय एवरी ईयर कब तक 30th जून ऑफ एवरी ईयर मक्खन है सर एकदम आवाज आओ बेटा डिपॉजिट्स क्या होता है लास्ट टॉपिक बस पांच मिनट में लेक्चर खत्म होने वाला है तो डटे रहें जुड़े रहें मिनट्स के अंदर लेक्चर खत्म होने वाला है और फिर कल इसका मेंटी होगा कल डिपॉजिट का क्या है मेंटी क्विज़ है कल डिपॉजिट्स का मेंटी क्विज़ है मॉडरेटर साहब कृपया करके इवेंट क्रिएट कर दीजिए डिपॉजिट्स का कल मेंटी क्विज है और याद है ना लास्ट मेन्टीक्स में तुम्हारे साथ क्या 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 हुआ था ठीक है अच्छे से पढ़ करके आना डिपॉजिट अगर इज्जत बचाना चाहते हो कल आओगे ना यस सर डिपॉजिट क्या होता है सुनो सेक्शन टू क्लॉस थर्टी वन बोला कुछ भी रुपया मिलेगा वो डिपॉजिट है सेक्शन टू क्लॉस थर्टी वन बोलता है आपको कुछ भी रुपया मिलेगा वो डिपॉजिट है एक्सेप्ट द फॉलोइंग दॉलिंगमाउट विच एपिन फॉलिंग प्रेस्क्राइब बाई सी इनबी आरबीआई कुछ कुछ अमाउंट सीजी प्रेस्क्राइब कर रखा है कंसल्टेशन आरबीआई वो डिपॉजिट नहीं है क्या क्या चीज डिपॉजिट नहीं है सुनो क्या क्या चीज डिपॉजिट नहीं है क्या क्या चीज डिपॉजिट नहीं है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सी जी एसजी अरे यार अगर अमाउंट हम लोग को मिल रहा है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी यार ये तो गवर्नमेंट का ग्रांट है ना ये डिपॉजिट नहीं है तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एनी अदर सोर्स विच हैज बिन गारंटीड बाई सीजी

मतलब जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो डिपॉजिट नहीं है ये सब जो अमाउंट हम डिस्कस डिपॉजिट नहीं है तो ये आप लोग ले सकते हैं इसके ऊपर डिपॉजिट चैप्टर एप्लीकेबल नहीं रहेगा क्योंकि डिपॉजिट डिपॉजिट ही ही नहीं नहीं है नहीं है तो खुल्ला की तरह लो लो कितना भी लो? क्या क्या चीज डिपॉजिट नहीं माना जाता और हम लोग खुल्ला साण की तरह ले सकते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी जी कॉर्पोरेशन और एनी अदर सोर्स व्हिच हैज बीन गारंटीड बाय गेंट अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया इंटरनेशनल एजेंसी लाइक वर्ल्ड बैंक वगैरह फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन सिटीजंस तीन लोन ये सब डिपॉजिट नहीं है लोन तो ले ही सकते हैं यार तो ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा लोन फ्रॉम बैंक लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन फ्रॉम अदर कंपनी लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी 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 लोन 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 फ्रॉम 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 एंड अदर अदर बैंकिंग कमर्शियल पेपर इशू करके जो रुपया आ रहा है कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है वो अलाउड है वो डिपॉजिट नहीं है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मतलब फाइव स्टार टॉपिक है फाइव स्टार टॉपिक और एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डिपॉजिट है कि नहीं है ये बताओ लोन लोन बाय पब्लिक पब्लिक कंपनी कंपनी ले रहा है अपने डायरेक्टर से तो ये डिपॉजिट नहीं है और अगर प्राइवेट कंपनी हूं मैं तब मैं तो मैं अपने डायरेक्टर से भी लोन ले सकता हूं और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी लोन ले सकता हूं पब्लिक कंपनी खाली अपने डायरेक्टर से लोन लेगा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से भी ले सकता है प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से भी ले सकता है रिलेटिव और डायरेक्टर से भी ले सकता है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा लेकिन पब्लिक कंपनी चाहे डायरेक्टर से ले चाहे प्राइवेट कंपनी अपना डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से ले इन लोग को ना डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इन लोग बोरो करके नहीं दे रहा रहा कमा करके दे रहा है इट इज सेल्फ जनरेटेड फंड फंड नॉट द बोरोड नहीं तो फिर तो फिर वही दिक्कत हो गया ना हम राम मेरा कंपनी राम से बोरिंग नहीं कर सकता था तो हम अपना डायरेक्टर को बोले तुम राम से बोरो कर ले और तुम हमको दे दे तो ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्टर का कमाया हुआ रुपया हो बोरो किया हुआ रुपया नहीं हो ओके सर ठीक है यस सर बहुत बढ़िया क्लियर है सुनो अब अमाउंट रिसीव ऑफ शेयर अरे यार शेयर इशू करो अलाउड है शेयर इशू करके रुपया आएगा ना वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा लेकिन शर्त है शेयर इशू करके शेयर इशू करके शेयर इशू करके जो रुपया आएगा वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा लेकिन एक शर्त है साठ दिन में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए सिक्सटी डेज में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए चलो नहीं हुआ सिक्सटी डेज में अलॉटमेंट ऑफ शेयर नेक्स्ट पंद्रह दिन में रिफंड कर दो तो. या तो साठ दिन में अलॉटमेंट कर दो वो भी नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पंद्रह दिन में रिफंड कर दो तब जो अमाउंट आया था वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा

ठीक है अगर हम गुड्स का एडवांस ले रहे हैं तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा लेकिन मेरे को गुड सप्लाई करना पड़ेगा विद इन थ्री सिक्स सर्विस का भी अगर आप चाहे तो एडवांस ले सकते हैं लेकिन सर्विस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा पांच साल के अंदर और एज पर कस्टम ऑफ इंडस्ट्री विच है गुड्स शुड बी सप्लाइड विद इन थ्री सिक्सटी फाइव डेज सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड विद इन सर्विस आपको देना पड़ेगा विद इन फाइव इंडिया

तो पच्चीस लाख रुपया तक तुम ले सकते हो पच्चीस लाख रुपया लेकिन उनको तुमको इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा दस साल में मिनिमम पच्चीस लाख से सुन लोटी बाई कन्वर्टेबल अमाउंट नोटिव बाई कंपनी मिनिमम लाख लाख मिनिमम इशू ऑफ कन्वर्टेबल नोट कन्वर्टेबल नोट मतलब वादा करो कि तुम उनको इक्विटी शेयर दे दोगे कितना साल के अंदर दस साल के अंदर सर लेकिन शार्क टैंक में तो हम लोग देखे थे सर लेकिन हम लोग तो शार्क टैंक में देखे थे सर कि ना कोई एक लाख रुपया भी ले रहा है दो लाख रुपया भी ले रहा है आप बोल बोले मिनिमम पच्चीस लाख लेने तो उन लोग तो शेयर तुरंत इशू कर देता था यहाँ पर शेयर दस साल के अंदर इशू होगा गई कन्वर्टेबल नोट इशू हो कर रहा है तो अगर स्टार्टअप कंपनी शेयर इशू करता है लाख दो लाख रुपया का तो वो तो अलाउड ही है वो डिपॉजिट नहीं है अभी तो हम लोग थोड़े पहले पढ़े थे ना कि शेयर इशू करके आप रुपया ले सकते हैं अलॉटमेंट करना पड़ेगा साठ दिन में यस सर याद आ गया सर दिस कंप्लीट माई एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑफ डिपॉजिट चैप्टर कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताइएगा धुआंधार था कि नहीं था और कल इस इसमेंटी को इसमें पक्का से आइएगा चीर फाड़ करके करने वाले वीडियो को पक्का से शेयर करिए इतना तो कर सकते हो इतने खुदगर्ज मत बनो मैं तुम्हारे लिए रात रात भर जग करके नोट्स बनाता हूं पढ़ाता हूं ठीक है ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए तुम शेयर तो कर ही सकते हो चैनल सब्सक्राइब लोगों से भी करवा सकते हो तुम तो खुद कर लियो और लोगों से करवाओ ठीक है फैमिली को बड़ा करो थैंक यू और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो लव यू गायज बाय आई